दोस्तों, क्या आपने कभी अफ्रीका के इस बिल्ली के बारे में सुना है जो दिखने में बेहद क्यूट है? सिर्फ यही नहीं, इस हिरन के बच्चे को तो देखिए कितना मासूम है। शायद आप हमें पागल कहेंगे अगर हम आपसे कहें कि एक मगर भी क्यूट हो सकता है, लेकिन असल में हम मगरमच्छ के बच्चों की बात कर रहे हैं जो इतने ज्यादा क्यूट हैं कि आप इन्हें पालने का मन बना लेंगे। आप चाहेंगे ही नहीं कि ये आपकी नजरों से दूर जाएं। और सिर्फ यही नहीं, आज तो हम आपको एक से बढ़कर एक क्यूट जानवर दिखाने वाले हैं, जिनमें से किसी एक को तो आज आप पेट बनाने का मन बना ही लेंगे। तो भाई देर किस बात की, चलिए फटाफट शुरू करते हैं और देखते हैं दुनिया के 20 सबसे क्यूट बेबी एनिमल्स को। नंबर 1, पिगलेट्स। भाई मैंने बचपन में सुना था कि बेबी पिग्स सबसे ज्यादा क्यूट होते हैं। वेल, आज देख भी लिया, क्योंकि हमारे इस लिस्ट में सबसे क्यूट बेबी एनिमल है बेबी पिग। इनका छोटा साइज, ऊपर से लवली हेयर और साउंड कमाल का होता है। इनकी हरकतें इतनी इंप्रेसिव होती है कि बोर होने का तो चांस ही नहीं है। और तो और, ये बचपन में इतने फुर्तीले होते हैं कि कुत्तों को भी नाच नचा देते हैं। नंबर 2, बेबी एलिगेटर। मैं जानता हूँ कि एक मगरमच्छ आपके पसीने छुड़ाने के लिए काफी है, लेकिन जब हम बात एक बेबी मगर की कर रहे हो तो ये आपके मुंह से वाओ दिस इज सो क्यूट निकलवाने के लिए काफी है। ये भले ही बड़े होकर खोखार हो जाते हैं, लेकिन बचपन में इतने क्यूट और अट्रैक्टिव होते हैं ना कि मन करता है कि बस इनका साइज इतना ही रहे, ये कभी बड़े ना हो। पर ऐसा पॉसिबल नहीं है। हालांकि इनकी क्यूटनेस का ही कमाल है कि कई लोग बेबी एलिगेटर्स को पालते हैं, लेकिन बड़ा होने से पहले ही उन्हें उनकी जिंदगी उनके हिसाब से जीने के लिए छोड़ देते हैं, वरना पालने वालों की हालत खराब हो सकती है। नंबर 3, कैरिकल्स। कैरिकल्स कोई दुनिया के अलग प्रजाति नहीं है, बल्कि ये स्पेशल तरह के कैट्स हैं जो सिर्फ अफ्रीका और मिडिल इंडिया के कुछ हिस्सों में पाई जाती हैं। वैसे इनकी आवाज सुनिए, हाँ ये कितनी प्यारी है यार। इनके कान काफी बड़े और आंख नीली होती है। एक व्यस्क कैरिकल का तो पता नहीं, लेकिन एक बेबी कैरिकल इतना प्यारा होता है कि देखते ही प्यार हो जाएगा। यकीन नहीं होता तो इन बेबीज को देख लीजिए। इनकी हरकतें, देखने का अंदाज, बैठने का स्टाइल, ओ माय गॉड, कहीं मैं खुद इनका दीवाना ना हो जाऊं। वैसे सच बताऊं तो मन कर रहा है कि अभी अफ्रीका जाऊं और कैरिकल्स के बेबीज ले आऊं, पर जेब की हालत खराब है इसलिए नॉट पॉसिबल। वेल, आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो शायद थोड़ा बहुत सपोर्ट हो जाए। नंबर 4, आउलेट्स। एक व्यस्क आउल बेशक चतुराई, तेज दिमाग और गुस्से के लिए जाना जाता है, इनके पास जाना भी शायद आपको पसंद ना हो, लेकिन जब एक बेबी आउल की बात की जाए तो गारंटीड आप इन्हें छूने से, गोद में लेने से अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। ये जब अपनी बड़ी बड़ी आंखों से आपको देखेंगे तो आपको बस एक ही फीलिंग आएगी, हाय काश मैं इसको घर ले जा पाऊं। सच मानिए, जब ये थोड़ा सा डरते हुए आपसे दूर जा रहे होंगे तो आप इन्हें पकड़ने को बेताब होंगे, क्योंकि ये क्यूटनेस का भंडार है। पीली और काली आंखें आपको हिप्नोटाइज भी कर सकती हैं। नंबर 5, हॉन्डुरन व्हाइट बैट। चमगादड़, ये वही नाम है जिसे सुनकर आपकी आंखें सन्न रह जाती हैं। वैसे आपने कभी एक हॉन्डुरन व्हाइट बैट के बेबी को देखा है? देखिए दोस्तों, ये हम सभी जानते हैं कि ऊपर वाले की सबसे प्यारी कोई चीज इस दुनिया में है तो वो बच्चे हैं। बिल्कुल मासूम, दुनिया से अनजान, सच्चे, प्यारे और सबका दिल जीत लेने वाले। फिर ये बच्चे चाहे इंसान के हों या जानवरों के, सब प्यारे होते हैं। अब आप चमगादड़ के इन बच्चों को देखिए, अगर इन्हें देखकर आपका दिल ना पसीजे तो सोच लीजिएगा कि आपके सीने में दिल नहीं। एक बार देखिए ये कितने प्यारे हैं। दूसरे चमगादड़ों से इनका अलग कलर, अलग फर, एकदम दूध की तरह सफेद होता है और ये दिखने में एकदम डॉल की तरह होते हैं। नंबर 6, फॉन। फॉन यानी हिरन का बच्चा। हिरन तो आपने अक्सर देखे ही होंगे। हिरन सबसे शांत और मासूम प्रजाति है। आई थिंक इनके चेहरे से मासूमियत झलकती है। जब एक व्यस्क हिरन इतना मासूम और प्यारा होता है तो सोचिए बेबी हिरन कितना क्यूट होगा। सोचिए नहीं, अब देख लीजिए। ओह, ये कितना ज्यादा प्यारा है। इसके बड़े बड़े कान और मोटी आंखें। यूं तो एक हिरन अपने बच्चे को समय समय पर खाने की तलाश के लिए भेजती रहती है। बचपन से ही इसकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। बेसिकली हिरन अपने बेबी को 6 महीने तक दुनिया की नजरों से दूर रखता है। वैसे दोस्तों, मैं जानता हूँ कि आपको वीडियो तो पसंद आ रही है, लेकिन आप लाइक करना भूल गए हैं। तो ऐसा कर लीजिए कि फटाफट से वीडियो लाइक कर लीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि इन क्यूट क्यूट एनिमल्स के साथ आपके दोस्तों रिश्तेदारों की भी मुलाकात हो तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिए जल्दी से। नंबर 7, क्राइया। दोस्तों, लामा के बेबी को क्राइया कहते हैं। अगर आपको ना मालूम हो तो बता दूं कि लामा अपने बेबी को जन्म देने के लिए फीमेल लामाज के झुंड का इस्तेमाल करती है। दरअसल जब एक मादा लामा बेबी को जन्म देती है तो
मादा लामाज के झुंड के बीच उसे जन्म देती है और इसी झुंड की प्रोटेक्शन में बेबी लामा बड़ा होता है। ऐसा उसे शिकारी जानवरों से बचाने के लिए किया जाता है, लेकिन आप देख ही सकते हैं कि ये बेबी लामा कितना प्यारा सा है। नजर लगना तो तय है ना। नंबर 8, चिक्स। मुर्गियों का तो पता नहीं, लेकिन बेबी चिक्स काफी ज्यादा क्यूट और अट्रैक्टिव होते हैं। बेबी चिक्स की खास बात यह है कि ये अपनी फैमिली के रूल्स को बहुत जल्दी फॉलो करने लगते हैं। मेरा मतलब है कि जैसे ही चलना सीखते हैं, माँ की तरह खाने की तलाश शुरू कर देते हैं। इनकी आवाज तो इतनी प्यारी होती है कि मुर्दे को भी जिंदा कर दे। बेबी चिक्स जितने सॉफ्ट होते हैं, उतने तो शायद लड़कियों के मेकअप ब्रश में सॉफ्टनेस नहीं होती है। यही रीजन है कि आप इन्हें बार बार अपने हाथों में लेना चाहते हैं। नंबर 9, लायन कब्स। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि अगर कोई शेर गुर्राता हुआ आपके सामने आ जाए तो आप वहां से भागने और ऊपर वाले को याद करने के अलावा कुछ नहीं करेंगे। लेकिन मैं इस बात पर भी श्योर हूं कि अगर एक लायन कब अगर आपके सामने आ जाए और अपने मासूम से चेहरे से आपकी तरफ आवाज मारे तो आप उसे उठाकर घर ले जाने के सिवाय कुछ और नहीं करेंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे तो जरा इन कब्स को देखिए। बचपन से ही लड़ाई की ट्रेनिंग ये एक दूसरे के साथ खेल खेल में ले रहे हैं। नंबर 10, फोल्स। अगर ना मालूम हो तो बता दूं कि घोड़े के बच्चे को फोल्स कहा जाता है। एक फोल्स अपनी माँ की तरह दौड़ने के लिए ट्राई करता है पर वो फेल हो जाता है, लेकिन कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसी कहावत को बिल्कुल सच साबित करते हैं फोल्स, क्योंकि ये अपनी प्रैक्टिस के 30 मिनट बाद अच्छे से खड़े हो जाते हैं और 90 मिनट बाद तो अच्छे से दौड़ने लग जाते हैं। ये बच्चे के साथ भी फ्रेंडली होते हैं और आपको खूब सारा एंटरटेन भी करते हैं। नंबर 11, बेबी फॉक्स। एक लोमड़ी अपनी चतुराई, तीखी नजर और बड़े बड़े कानों के लिए पहचानी जाती है। इन्हें देखकर आप डरकर भाग जाएंगे, लेकिन ऐसा बेबी फॉक्स के केस में नहीं होगा, क्योंकि एक बेबी फॉक्स बहुत ही खूबसूरत, प्यारी और नोटोरियस होती है। यह देखने में खरगोश की तरह और साइज में डॉग की तरह नजर आती है, पर यकीन मानिए लोमड़ी के बच्चे जब मस्ती करते हैं तो बहुत ही क्यूट और मासूम नजर आते हैं, लेकिन होते हैं ये भी चतुर। वैसे आपको बता दूं कि फॉक्स की कहानी ज्यादातर स्प्रिंग के सीजन में शुरू होती है। नंबर 12, डकलिंग्स। अगर आप लोगों ने मिकी माउस देखा हो तो आप डक्स के बहुत बड़े दीवाने होंगे, जैसे मैं हूँ। बीबी डक्स की आवाज सुनिए, किसी मधुर संगीत की तरह है। इनकी लंबी चोंच, हैरानी से देखने का अंदाज, पानी में चिल्लाना, खाने के लिए एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाना, जरूरत पड़ने पर आपको पूरे घर में नचाना, सभी हरकतें कमाल की होती हैं। बीबी डक्स इतने ज्यादा क्यूट होते हैं कि कई लोग तो इन्हें बास्केट्स में भरकर दूसरों को गिफ्ट भी देते हैं। क्या आपको मिला है ऐसा कोई प्यारा सा गिफ्ट, हमें बताइए। और वीडियो तो खत्म हो चुकी है, इसलिए अब आप मुझे बताइए कि आपको सबसे ज्यादा किस एनिमल का बेबी क्यूट लगा। अगर आपको ऑप्शन दिया जाए तो आप इनमें से किसे अपने घर ले जाना चाहेंगे, मगर या डक, कमेंट कीजिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना खास ख्याल रखिए। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर दो और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें।